अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। नौरा फतेही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में करने वाली है सबको हैरान। जबरदस्त आइटम सॉन्ग से लेकर दमदार अभिनय से जीतेंगी दर्शकों का दिल। फाइनली नौरा फतेही फिल्मों में आ रही हैं, जिनमें वो एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी, और वो फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। बता दें कि ये फिल्म में नौरा फतेही का एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग रहने वाला है, और ये आइटम सॉन्ग फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से डाला गया है। लेकिन बता दें कि ये फिल्म में नौरा फतेही जबरदस्त अभिनय करती हुई नजर आएंगी, तो क्या होगा उनका रोल, आइए जानते हैं डिटेल में। अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्च में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म भुज में नजर आएंगी। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, और ये 13 अगस्त 2021 को ऑनलाइन रिलीज होने जा रही है। सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं। अभी तक इस फिल्म में नौरा के किरदार के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन अब इस बारे में पता चल चुका है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि फिल्म भुज में मेन फीमेल लीड में सोनाक्षी सिन्हा है। सेकेंड लीड के लिए मेकर्स ने परिणीति चोपड़ा का चुनाव किया था, मगर जब उन्हें पता चला कि सोनाक्षी के मुकाबले उनका रोल छोटा सा होगा, तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेकर्स ने इस रोल के लिए कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडिस से भी संपर्क किया, मगर उन्होंने भी इसे करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस रोल के लिए फाइनली नौरा फतेही को सिलेक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि फिल्म में नौरा फतेही ने पाकिस्तान की एक डांसर का किरदार निभाया है, जो वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। नौरा का किरदार एक रॉ एजेंट का है, और पाकिस्तानी सेना की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेजती है। नौरा का ये किरदार आलिया भट्ट के राजी के किरदार से मिलता जुलता है। हालांकि वास्तव में वो महिला कौन थी जिसका किरदार नौरा ने निभाया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। खैर, ट्रेलर में नौरा का नॉन ग्लैमरस अंदाज तो अभी काफी पसंद किया जा रहा है। जानिए अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की रियल स्टोरी। इन दिनों अजय देवगन अपनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर काफी चर्चे में हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से लोगों में ये फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट भरी हुई है। ये फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है, और लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को खूब प्यार भी दिया है। लेकिन आज हम आपको इस फिल्म की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है। 1971 में हुए इस युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के मित्रवाहिनी बलों और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को ढाका के पतन तक चला। युद्ध की शुरुआत 11 भारतीय हवाई स्टेशनों पर ऑपरेशन चंगेज खान के हवाई हमलों से हुआ। 8 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तान सबैरों ने रात में हमला किया था, और भुज में भारतीय वायुसेना की एक पट्टी पर 14 से अधिक नेपलम बम गिराए गए, जिससे भारतीय वायुसेना के विमानों के उड़ान भरने में बाधा उत्पन्न हुई, और ये काफी बड़ी मुसीबत रही। IAF VSF की मदद लेना चाहता था, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए पर्याप्त जवान नहीं थे। लेकिन भुज के पास एक गांव माधापुर के लोगों ने भारतीय वायुसेना की मदद की, और मुख्य रूप से महिलाओं ने लगभग 72 घंटों में सफलतापूर्वक काम कर लिया। लेकिन इस बीच आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस घटना में मौजूद विजय कार्णिक कौन थे। तो आपको बता दें कि महिलाओं को क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उन्हें संग्रह करने का विचार इसी शख्स का था। उन्होंने लोगों में हिम्मत और जुनून भरकर काम को पूरा करवाया। जब मुश्किलें बढ़ गईं और हवाई पट्टी भी क्षतिग्रस्त हो गई, तब सभी सिपाही हताश हो गए थे, उनमें हिम्मत नहीं रही थी। तब इस जवान ने लोगों में हिम्मत भरी और फिर माधापुर की महिलाओं से मदद मांगी, जहां माधापुर की इन महान महिलाओं ने अपनी जान की जरा से भी फिक्र ना करते हुए जवानों की मदद करने के लिए क्षतिग्रस्त हुई हवाई पट्टी को पूर्ण निर्माण करने में मदद की। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय विजय कार्णिक ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में कार्य किया। कार्णिक का सबसे प्रसिद्ध क्षण वो है जब उन्होंने PAF द्वारा नष्ट की गई हवाई पट्टी के पूर्ण निर्माण के लिए भुज गांव की 300 महिलाओं को जुटाया, और ये काम को 72 घंटे के अंदर पूरा करवाया।
इस घटना में जुड़ी महिलाओं में से एक बलवाई सेघानी ने एक दैनिक समाचार को बताया, हम 300 महिलाएं थी जिन्होंने वायुसेना की मदद के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पायलट यहां से फिर से उड़ान भरेंगे, अगर हम मर जाते तो ये सम्मानजनक मौत होती। सेघानी ने ये भी कहा, हम तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते, हमें खुद को छिपाने के लिए हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा गया, हमने दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करने के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। युद्ध के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, हम एक युद्ध लड़ रहे थे और अगर इनमें से किसी भी महिलाओं की हताहत हुई होती तो ये युद्ध के प्रयास के लिए एक बड़ी क्षति होती, लेकिन मैंने फैसला लिया और ये काम कर गया। मैंने उन्हें बताया था कि अगर हमला हुआ तो वो वहाँ शरण ले सकते हैं और उन्होंने बहादुरी से इसका पालन किया। तो दोस्तों, ये थी घटना जिसे आप अब अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखेंगे। तो ये सच्ची घटना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।